भारत के लिए आज दुख भरी खबर सामने आई है। वजीर आजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी की वालिदा का आज इंतकाल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बहन मोदी 100 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। गुज़श्ता दिनों उनकी सेहत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तभी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनकी देखभाल और उनकी खबर ले रहे थे, लेकिन आज वो हुआ जो कुदरत को मंजूर था। वजीर आजम ने अपनी जिंदगी की पेशबहा कीमती चीज यानी अपनी वालिदा को खो दिया है। अपनी 100 साल की उम्र गुजारने के बावजूद हर जन्मदिन पर वजीर आजम उनसे मुलाकात करने पहुंचते थे और बीच में उनकी वालिदा उन्हें कुछ पैसे भी फरहम करती थी, जिनका जिक्र मोदी ने कई मरतबा अपनी तकारीर में भी किया है। लेकिन आज वालिदा का साया उनके सर से हमेशा के लिए उठ गया। अब उन्हें कोई शायद वो 500 रुपए का नोट फरहम नहीं करेगा। नम आंखों से आज हीरा बहन मोदी के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वजीर आजम के साथ साथ मुल्क भर को इस वक्त सदमा है। कई अपोजिशन लीडर और पार्टी लीडरान ने हीरा बहन मोदी के इंतकाल पर इजहार रंजो अफसोस किया है और वजीर आजम के साथ इजहार यकजहती भी किया है। एक मरतबा फिर आपको बता दें कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बहन मोदी आज इंतकाल कर गई हैं। उनकी उम्र 100 साल की थी। मुख्तलिफ अदालत के बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। अंतिम संस्कार में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज सियासी लीडरान और दीगर लोग भी पहुंच रहे हैं।